सो हे गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो मेरा नाम आरके चौधरी, आप देख रहे हैं आरके वीडियो स्टोर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में, और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही दिए घंटी को भी ज़रूर दबाएँ ताकि आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा तो ऐसे डिजाइन वाले वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो गाइस, आपने तो थंबनेल में देख ही लिया होगा किचन फिटिंग टाइल और स्लेब। तो गाइस ये देख रहे हैं एरा लाइट है, ये फास्टर एरा लाइट जो कि हम अभी आपको 8 मिनट के अंदर में, इस 8 मिनट के वीडियो में अभी आपको पूरा किचन फिटिंग करके आपको दिखाएंगे। किचन का पत्थर जो स्लेप है, स्लेप और टाइल दोनों फिटिंग करके अभी 8 मिनट के वीडियो में पूरा देख लें। वीडियो स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। तो ये देख रहे हैं कैसे कैसे फिटिंग करते हैं एरा लाइट को दोनों मिक्स करके। और ये अभी जो इसके जो पट्टी लगेगा डिजाइन वाला, ये जो पट्टी है आपको मार्बल मार्केट से मिल जाएगा, जैसे जहाँ से आपने ग्रेनाइट लिया है उसी दुकान पे ये पट्टी मिलती है, ऐसे कोई हार्डवेयर दुकान में नहीं मिलता ये पट्टी। तो ये मार्बल मार्केट से जहाँ से आप मार्बल लेते हैं, ग्रेनाइट लेते हैं पत्थर, वहीं से आपको ये पट्टी भी मिलेगा। तो एक जो प्लेन होता है ये डिजाइन वाली है, आर्टिफिशियल ये पट्टी है। तो ये देख रहे हैं सपोर्टिंग के लिए रख रहे हैं, जो कि ऊपर से मोल्डिंग डबल मोल्डिंग का जो छोटा पीस लगेगा उसके लिए सपोर्टिंग में, ताकि पीछे की तरफ डाउन ना हो जाए, ये सपोर्टिंग के लिए एरा लाइट लगा रहे हैं। तो ये बहुत फास्टर एरा लाइट है, ये 15 से 20 मिनट में ये सेट हो जाएगा। ये तो एक एरा लाइट जो होता था पहले पुराने वाले, उसको सेट होने में कोई 24 घंटा लगता था, ये है कि 15 से 20 मिनट में सेट हो जाएगा। तो ये 8 मिनट के अंदर में अभी आपको, 8 मिनट का ये वीडियो है तो 8 मिनट की वीडियो में पूरा डिजाइन आप किचन का देख लेंगे कि कैसा डिजाइन लगता है देखने में। किचन का स्लेप और टाइल दोनों का डिजाइन आप देख लेंगे, तो वीडियो को पूरा देखते रहिए। तो ये देख रहे हैं, ये इसको चिपका दिया है, अब ये सेट हो जाएगा, 15 से 20 मिनट सेट हो जाएगा ये, उसके बाद करेंगे मोल्डिंग। तो ये जो देख रहे हैं अब हम, जो इसको सीधा मशीन क्यों चला रहे हैं, इस पर इसलिए चला रहे हैं कि जो ये आर्टिफिशियल जो पट्टी है, ये पट्टी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इसलिए हम थोड़ा बाहर की तरफ रखते हैं कि अंदर ना, दोनों मार्बल के बीच में अंदर ना हो, बाहर होना चाहिए थोड़ा, ताकि बिल्कुल बराबर फिनिशिंग आए, इसलिए थोड़ा उसको साफ़ कर लेते हैं। उसके बाद ये मशीन की मदद से इसको मोल्डिंग मार रहे हैं। तो अभी मोल्डिंग की कटिंग करेंगे, कटिंग ये कटिंग हो रहा समझ लो, उसके बाद जो पॉलिश वाली पट्टी चलेगी वो फिट करके उसके बाद वहाँ पे करेंगे इसको। तो आप ऐसे डिजाइन वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में ये घंटी को भी ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा तो ऐसे डिजाइन वाले वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। तो डिजाइन से रिलेटेड और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देख रहे हैं आप, दूसरी साइड हम मोल्डिंग करना चालू कर दिया है, तो नीचे के साइड हो गया, अब ऊपर के साइड मोल्डिंग हो रहा है। अब मोल्डिंग करके उसके बाद अब करेंगे इसको स्लेब के ऊपर फिटिंग। तो गाइस, अगर वीडियो देख रहे हैं आप, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं अगर, तो अच्छी बात है, जो नहीं किए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे न्यू डिजाइन वाले वीडियो देखने के लिए। और भी डिजाइन वाले वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल आरके वीडियो स्टोर पे विजिट करें, नीचे रूम टाइल डिजाइन, बाथरूम टाइल डिजाइन, वो भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो गाइस चलिए फिट करते हैं इसको। तो ये फिटिंग हो चुका है, तो देख रहे हैं एल शेप में है, दो स्लेप है। तो गाइस ये देख रहे हैं सिंक भी लग चुका है, तो ये सिंक में मसाला भरा जा रहा है, उसके बाद करेंगे मोल्डिंग। तो इसको करेंगे पॉलिश वाली बट्टी से, इसको पॉलिश करेंगे। तो ये मोल्डिंग करके उसके बाद इसके ऊपर 3 फुट टाइल लगेगी। तो गाइस ये जो देख रहे हैं मोल्डिंग कर रहे हैं, ये जो मोल्डिंग दोनों मार्बल के पत्थर के बीच में जो है, जो ये पट्टी लगी है डिजाइन वाली, एक रेड, एक ब्लैक, एक वाइट, ये 3 किस्म का जो है पट्टी, इस मोल्डिंग के अंदर में जो डिजाइन जो दिख रहा है आपको, ये डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और पूरा फिनिशिंग करने के बाद इसकी चमक देखिएगा कैसा है, तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये डिजाइन आपको पसंद आया है कि नहीं आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा।
और चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे और भी न्यू वीडियो डिज़ाइन वाले कोई भी डालूं तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। तो ये देख रहे हैं ये किचन का जो मोल्डिंग है, मोल्डिंग कंप्लीट हो चुका है, पॉलिश हो गया, देख रहे हैं बिल्कुल बराबर जैसा ऊपर है वैसा ही सेम टू सेम मोल्डिंग हो चुका है पॉलिश। तो ये जो पट्टी दिख रहा है आपको गाइस, ये जो सामने पत्थर में सामने जो पट्टी लगाई हमने एक ब्लैक वाइट रेड, ये आपको स्लिप में कैसा दिखने में जच रहा है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी हम 3 फुट इस पर टाइल लगाएंगे स्लेब के ऊपर। तो ये देख रहे हैं मसाला बन रहा है टाइल का, सीमेंट और केमिकल का मसाला बन रहा है। तो ये केमिकल इसलिए डालते हैं कि अच्छे से टाइल को पकड़ हो, इसकी टाइल की पकड़ हैवी हो जाता है केमिकल डालने से। तो ये जो टाइल का डिज़ाइन देख रहे हैं आप, अगर टाइल का डिज़ाइन स्लिप पे अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे लाइक का बटन है, लाइक ज़रूर कीजिएगा आप। और टाइल अच्छा लग रहा है बिल्कुल, किचन का पूरा फिनिशिंग डिज़ाइन देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन मिलने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, तो ऐसे वीडियो डिज़ाइन वाले आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस ये देख रहे हैं टाइल, ये 3D टाइल है, ये बिल्कुल सामने से देखिएगा तो बिल्कुल टाइल का जो फूल दिख रहा है आपको वैसे लगेगा उभर के आ रहा सामने फूल, उस टाइप का आपको दिखेगा। तो ये सामने गैस का पाइप देख रहे हैं, ये गैस का पाइप था। तो देख रहे हैं बिल्कुल पॉलिश कैसा है टाइल, देखिए डिजाइन बिल्कुल 3D टाइल है ये, और स्लेब के साथ मैच करता हुआ टाइल है ये कलर। तो ये 3 फुट तक ही लगना है टाइल, देख रहे हैं डिजाइन। तो ये लग चुका है टाइल भी, तो आप किचन का पूरा डिजाइन देख सकते हैं, नीचे लटक भी लग गया है स्लेब के नीचे, देख रहे हैं 3 इंच नीचे लगा हुआ है स्लेब के नीचे लटकते, इसके साथ बॉर्डर जैसा डिजाइन बन गया है। देख रहे हैं आपको कैसा लग रहा है डिजाइन, क्वालिटी देखने में कैसा लग रहा है पत्थर का। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को डिजाइन देख के सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस फिर मिलेंगे एक ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, हमारा वीडियो RK वीडियो स्टोर रेगुलर आप देखते रहें। तो गाइस फिर मिलेंगे ऐसे ही एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Break some.